देखो जीजा जी लाल अल्लू बलदेव जीजा जी अब गोली चलेगी। जीजा जी कैसी लगी मूवी? मैंने खून नहीं किया। किसने कहा आपने खून किया? आप तो शरीफ आदमी हैं, शराफत तो आपके चेहरे से टपक रही है, और ये बकरी की तरह मी क्यों कर रहा है? क्यों? देख यार तूने खून नहीं किया ये मुझे पता है, पर गौरी के हाथ में गन तो तूने पकड़ाई है ना, ये तो मानता है ना तू? चल यार अब जल्दी से बता दे, खून करके तेरे हाथ में गन पकड़ाने वाला वो असली खूनी कौन है? इतने शॉकिंग रिएक्शन मत दे, आगे का वीडियो है मेरे पास। चल अब जल्दी से बता दे कौन है असली खूनी। इतना टाइम मत ले विक्रम, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है करने के लिए। गौरी को जेल से निकलवाना है, गुंजन की शादी कराने के लिए दूसरा लड़का देखना है। देख यार सीधी सी बात है, तूने गौरी को ब्लैकमेल किया और उसने खुशी खुशी गौरी ने गुंजन की खुशी के लिए गुनाह अपने सर पे ले लिया। पर मैं इतना अच्छा महात्मा नहीं हूं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का हूं। तुझे जेल तो मैं पहुंचवाऊंगा और बाकियों की जिंदगी भी संवार दूंगा। अब ये मत सोचना कि मुझे कैसे ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि नहीं कर पाए। चल अब जल्दी से बता दे कौन है असली खूनी। पता था नहीं बताएगा, संगम ठीक है विक्रम। जीजा जी नहीं बताना। चल ठीक है मत बता, कल कोर्ट में बता देना। फिर वहां तू चाहे जुर्म नहीं कबूला या किसी और का भी नाम ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटी है ना मेरे पास। या तो तू अंदर जाएगा या तो तू अंदर नहीं जाएगा, पर गौरी को तो मैं जेल से बाहर निकलवा लूंगा। अरे जीजा जी आप जाइए ना, वो बिजली का बिल जमा करवाना था, अंधकार में हो जाएगा घर आपका। जाइए जाइए ना जीजा जी, जाइए अच्छे से जाइएगा जीजा जी। जीजा जी ड्राइव सेफ, जाइए। बैठो।
कैसी हो गुंजन? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हम बिल्कुल ठीक हैं दीदी। जुर्म नहीं कबूला या किसी और का भी नाम ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीडी है ना मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको इस केस के सिलसिले में कुछ बताना चाहता हूँ। विक्रम, चौराहे पे दिमाग क्या चिल्लर के हिसाब से बेच आए हो? बोलना क्या चाहते हो तुम? बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो साहब, थोड़ी निर्दोष है। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस झूठ को और लेकर नहीं चल सकता अपने साथ। जी।